अन्नकूट की रस्म भूल गई मीरा। उस दिन उन्होंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी। मीरा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? और तूने मेरी मीरा के खिलाफ एक भी अपशब्द कहा ना, तो मैं तुझे यही जिंदा मारूंगा। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करूंगा। मुझे होश आया तो मैंने खुद की हालत देखी, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लग रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। कान्हा जी, अब आपको मेरी हेल्प करनी है। मैं भटक गई थी, मैंने लाइफ में बहुत गलत डिसीजन लिए हैं और इसलिए सिर्फ परिवार से ही नहीं आपसे भी दूर हो गई थी। लेकिन आज मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है कान्हा जी, इसलिए अब आप ही मेरी हेल्प कीजिए। आप मुझे बताइए कि मैंने धर्म जी के फेवर में क्यों गवाही दी, बताइए मुझे। अब भी बहुत अजीब है, पहले तो मुझे एकदम बेकार लगती थी, अबे ना सबसे बेस्ट लगती है। पहले ना तुझे दर्द होता था ना, तो मुझे बहुत मजा आता था। नहीं, अब तुझे तकलीफ होती है ना, तो मुझे बहुत दर्द होता है। नहीं नहीं, सम खाओ जो मैं तुझे कभी तकलीफ नहीं दूँ, और तुझे ना चोट पहुँचाऊँगा और ना मैं किसी को तुझे चोट पहुंचाने दूंगा। सॉरी, अब मुझे नहीं पता था ऐसा होएगा। मैं एक शॉल लेके आता हूँ। हाँ, इधर तुझे लगा है, मेरा नाखून लगा। तू इधर बैठ बैठ, इधर बैठ। सॉरी हाँ, एकदम दिल से सॉरी। मैं तुझे ना दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, इसकी तू हकदार है।
मीरा, तुमने सच क्यों नहीं बोला? क्यों कहा कि वो निर्दोष है? बोलो, तुम सब कुछ जानती हो, उसके बावजूद भी मीरा, मैं खुद वहां थी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और उस इंसान को हम आसानी से सजा दिलवा सकते थे। क्यों किया मीरा ऐसा तुमने? क्यों? मुझे तेरी आंखों में उस इंसान के लिए पहले जो नफरत दिखती थी, वो आज नहीं दिख रही। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने धर्म जी के फेवर में इसलिए गवाही दी कि मेरा दिल कह रहा था कि वो निर्दोष है, उसे कुछ नहीं किया। और मेरे पास प्रूफ भी है, ये देखिए। सॉरी, अब मुझे नहीं पता था ऐसा होएगा। मैं एक शॉल लेके आता हूँ। तो नहीं कि मीरा के दिल में धर्म जी के लिए हमदर्दी के अलावा कुछ और? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कान्हा जी, मेरे इस शक को हकीकत में मत बदलने देना। कान्हा जी, मेरी मीरा की रक्षा करना। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सबको कितना सहना पड़ा, स्पेशली धर्म जी को। मीरा, मीरा, तू रो क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तूने अपने दिल की सुनी और सही फैसला लिया। मुझे तुझ पर गर्व है मीरा, सच। आज तेरे वजह से एक निर्दोष को सजा नहीं हुई। चल, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।